40 दिनों की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। वैसे तो सभी उस फैसले को मानने का दावा करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पुनर्विचार का नया शगुफा छेड़ दिया है। AIMPL भी इस याचिका के जरिए क्या करना चाह रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। जो भी कानूनी फैसला होगा हम उस फैसले का एहतराम करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया भी। 40 दिनों की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस विवाद को खत्म कर दिया जिसने अयोध्या के नाम पर विवाद का कलंक लगा रखा था। फैसला आने से पहले तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने की बात सभी ने कही, लेकिन अब उस फैसले पर पुनर्विचार की याचिका डालने की तैयारी की जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसी साल दिसंबर में रिव्यू पिटीशन दायर कर रहा है। 9 दिसंबर से पहले या 9 दिसंबर तक फाइल हो सकती है, उसी दिन कोई डेट नहीं बता पाएंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पुनर्विचार याचिका दायर करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इसी बीच पक्षकारों के बीच दो फाड़ होती हुई नजर आई। सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूखी ने रिव्यू पिटीशन से खुद को अलग करने का फैसला लिया है। अब इस फैसले का स्वागत भी किया जा रहा है और विरोध भी। उन्होंने लास्ट में कह दिया कि साहब हम ये केस लड़ना नहीं चाहते। वजह सबसे बड़ी आजम खान के साथ जो जमीन का लेन देन और उसके केसेस, उन केसेस को हटवाने के लिए कहीं ना कहीं सरकार से इन्होंने सांठगांठ की और सरकार के कहने पर, सरकार के दबाव में आकर इन्होंने जो है एक लेटर जारी कर दिया और कोर्ट में सबमिट कर दिया कि साहब हम ये केस लड़ना नहीं चाहते। ये बहुत अच्छा स्टेप उन्हीं ने लिया। एक हिंदुस्तान में जो एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तासुब की तरफ मुसलमानों को लिए जा रहा था और उन्होंने उस पर अंकुश लगाने की कोशिश की है, और ये बात जो वो पहले भी कहते थे कि हम रिव्यू पिटीशन में नहीं जाएंगे, और वक्फ बोर्ड ने उनका साथ दिया, उनके मेंबरान ने उनका साथ दिया और ये बात फाइनल हो गई वक्फ बोर्ड की तरफ से कि अब वो रिव्यू पिटीशन में नहीं जाएंगे। जाहिर है करीब 500 सालों तक खिंचे अयोध्या के मसले को एक बार फिर सुर्खियों में लाने की तैयारी चल रही है। इस बीच पक्षकारों के बीच हुई दोफाड़ भी सवाल खड़े कर रही है कि पहले जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने का वादा किया वो अब कहां तक सही है। ब्यूरो रिपोर्ट R9 TV।